Hey, what's up everyone, welcome back to our education and आज हम लोग बात करेंगे झारखंड PSC एग्रीकल्चर के सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो को, वीडियो को इसलिए एंड तक देखते रहना है। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को मेक से और सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी अपडेट है झारखंड के सबसे पहले चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो सीट वैकेंट लिस्ट है वो फाइनली झारखंड कंबाइंड के ऑफिशियल वेबसाइट में आ गई है, ठीक है। और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड में कितने सीट बचे हुए वो यहाँ पर हम लोग को सीट मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट राउंड लिखा हुआ है बट आफ्टर देख सकते हो, आफ्टर फर्स्ट राउंड, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे रांची वेटनरी कॉलेज में, जहाँ की VVSC और एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि वेटनरी कोर्स के कितने सीट खाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60 सात सीट खाली है, 7, ठीक है। और जिसमें से जनरल के 3 सीट हैं और ST के 2 सीट रिजर्व हैं और SC के 1 सीट रिजर्व है और BC2 के 1 सीट रिजर्व है, ओके। फिर नाउ मूव टू रांची RAC, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, जहाँ पर BSc एग्रीकल्चर में 12 सीट खाली है। टोटल जो सीट खाली है वो 12 सीट खाली है, यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें से जनरल के 4 सीट खाली है और EWS के 1 सीट खाली है और ST के 1 सीट खाली है और इसके साथ साथ SC के 2 सीट खाली है और BC1 के 2 सीट खाली है एंड BC2 के भी 2 सीट खाली है। तो अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है ना वर्मा एजुकेशन के थ्रू, तो जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ मूव टू फॉरेस्ट्री कॉलेज रांची, ठीक है। फॉरेस्ट्री कॉलेज रांची में यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल जो सीट ब्लैंक है ना वो 10 सीट खाली है, ठीक है। और PH कैटेगरी के एक एक सीट भी खाली है यहाँ पर। फिर BC2 के 1 सीट खाली है एंड SC के 4 सीट खाली है, उसके साथ साथ ST के 3 सीट खाली है एंड जनरल के 10 सीट खाली है, ठीक है। तो ये हमारा फॉरेस्ट्री रांची कॉलेज का है। फिर नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज़ एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा। गढ़वा में टोटल जो सीट खाली है ना वो 23 सीट खाली है, ठीक है। 23 में एक PH का सीट खाली है और BC1 के 3 सीट खाली है, BC2 के 1 भी सीट खाली नहीं है, SC के 3 सीट खाली है, रिजर्व सीट है ये, और ST के 5 सीट खाली है और EWS में 3 सीट खाली है और जनरल के 8 सीट खाली है। फिर नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज़ TMAC, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज। यहाँ पर हम लोग को जनरल के 4 सीट ब्लैंक दिखते हैं, जो टोटल सीट है ना वो 14 14 खाली है, ठीक है। जिसमें से PH के 1 सीट खाली है, BC2 के भी 1 सीट खाली है एंड BC1 के भी 1 सीट खाली है, उसके साथ साथ SC के 2 सीट खाली है एंड ST के 4। नाउ मूव टू रविंद्रनाथ कॉलेज देवघर। देवघर में हमारा जो टोटल सीट ब्लैंक है ना वो 24 है, जिसमें PH के 1 भी सीट खाली नहीं, BC2 के 2, BC1 के 3, SC के 2, ST के 6 और EWS के 1 और जनरल से 10, ठीक है। तो ये हमारा रविंद्रनाथ का। और डेरी टेक्नोलॉजी में ना यहाँ पर आप देख सकते हो 17 सीट खाली है। और फिशरी कॉलेज गुमला में 13 सीट ब्लैंक है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर कॉलेज कांके रांची में 5 सीट ब्लैंक है एंड हॉर्टिकल्चर कॉलेज खूंटपानी में 31 सीट खाली है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज खूंटपानी चाईबासा में है, जहाँ पर 31 सीट खाली है। फिर ये जो एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो रवि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च सेंटर मोराबादी में जो है, वहाँ पर 28 सीट खाली है। PH से यहाँ पर 2 जनरल में, 1 ST में, ठीक है, इस तरीके से है। फिर यहाँ पर 1 BC2 में, BC1 में 2, SC के 4, ST के 6 एंड EWS के 1 और जनरल के 12 सीट खाली है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। चार्ट ब्लैंक सीट है, वैकेंट सीट का लिस्ट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पर मैं एजुकेशन के एक्सक्लूसिव वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।